विश्व में पाई जाने वाली सांपों की कुल प्रजातियों में दो तिहाई प्रजातियों का एक बड़ा परिवार फैमिली कोबिडी। पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं द्वारा परिवार कोबिडी की लगभग 1938 प्रजातियों की खोज की है। इस परिवार के अधिकांश सर्प विषहीन और हम इंसानों के अभिन्न मित्र होते हैं। हम इंसानों की तरह सांपों में भी रंगों का उनके जीवन में एक खास महत्व होता है। सांपों में रंगों की ये विविधता प्रकृति के साथ मिलकर न केवल उनके भोजन में सहायक होती है, बल्कि शत्रुओं से भी रक्षा करने में मददगार होती है। रंगों की इस दुनिया में एक अद्भुत रंग जो हमारे मन, मस्तिष्क और आंखों को शांति खुशी के साथ प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाला ये रंग हरा। ये हरा रंग विकास और सौभाग्य का प्रतीक है। प्रकृति ने अपने कुटुंब के कुछ अल्पतर खास ही सदस्यों को इस हरे रंग से नवाजा है। इसमें से एक खूबसूरत कोबिडी परिवार का सदस्य विषहीन मध्यम आकार का हल्का हरा सांप ग्रीन कील बैक। इसका वैज्ञानिक नाम मार्कोपिस्टोडन प्लंबिकलर। भारतीय महाद्वीप में ये पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारत में पाया जाता है। मनुष्यों के रहवास के पास शहर, गांवों में, बगीचों एवं वन क्षेत्रों में ये अंडरस्टॉक एरिया, झाड़ीदार वनों में, समुद्र तल से 2000 मीटर 6532 फुट तक की ऊंचाई तक मिलता है। अपने हरे रंग के कारण ये आसानी से झाड़ियों में घुल मिल जाने और अपनी शर्मीली प्रकृति के कारण हम में से कम ही लोग प्रकृति के इस नायाब तोहफे को देख पाते हैं। आसानी से न दिखने वाली इस दुर्लभ प्रजाति का फिल्मांकन एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम मानव प्रजाति को इस सांप के बारे में कम ही जानकारी है। ग्रीन कील बैक का शरीर मध्यम आकार का पर बड़े उभरे विभिन्न आकार के शल्कों से ढका रहता है। शरीर का रंग हल्का हरा, शरीर पर क्रॉस काले पट्टे, पूंछ पतली एवं उस पर पट्टे नहीं होते हैं। आंख की पुतली काली गोल स्पष्ट होती है। सिर चौड़ा, गर्दन से अलग स्पष्ट नजर आता है। वयस्क सांपों की गर्दन पर एक ही निशान से इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। ओवी पेरस, जो 13 से 16 अंडे वर्षा ऋतु में देता है एवं शीतकाल में नवजात बच्चों को देखा जा सकता है। सांप की औसतन लंबाई 50 सेंटीमीटर और अधिकतम 94 सेंटीमीटर होती है। रात्रिचर झाड़ियों में रहने वाले इस सांप का मुख्य आहार मेढक, छोटी चिड़िया, छोटे सरीसृप हैं। आमतौर पर ये शांत होता है, किंतु भयभीत होने पर अपने अग्रभाग को उठाकर कोबरा की तरह चौड़ा कर शत्रुओं को डराता है, जिससे कई लोग इसे विषैला कोबरा समझकर मार डालते हैं। ये दुर्लभ प्रजाति का सांप हमारी लापरवाही एवं उचित संरक्षण नहीं किए जाने से विलुप्त प्रजाति की सूची में जल्द ही शामिल हो सकता है। एशियाई देशों में सांपों के चमड़ों की अधिक मांग होने के कारण इसका अवैध व्यापार कुछ संगठित गिरोह द्वारा गुप्त रूप से छिप कर किया जाता है। शहरीकरण एवं वनों में अवैध अतिक्रमण से सीमेंट कंक्रीट के जंगल का विस्तार होने के कारण उनके रहवास नष्ट हो रहे हैं। सड़कों के बढ़ते जाल एवं वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण वाहन दुर्घटना से सांपों के घायल होने एवं मृत्यु की काफी तादाद मानसून ऋतु में
आम तौर पर सड़कों पर देखने को मिलती है। मानव द्वारा सांपों को शौक बतौर पालतू के रूप में संग्रह करना एवं कुछ समुदायों के द्वारा सांपों के प्रति अंधविश्वास एवं धार्मिक मान्यताएं इस प्रजाति की विलुप्त होने का भी एक मुख्य कारण है। अधिनियम 1972 सांपों को अपनी अभिरक्षा में रखना, उनके रहवास को नष्ट करना, पकड़ना, मारना आदि दंडनीय अपराध है, जिसमें जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान है। आइए हम सब मिलकर प्रकृति के इस नायाब तोहफे को संरक्षित कर प्रकृति के संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान दें।